2021 का पहला त्योहार वागले की दुनिया में लेकर आया है खुशियों की बहार। सास बहू और बेटियां पहुंचा सोने सबके सीरियल वागले की दुनिया के सेट पर, जहां पर राजेश वागले अपने पूरे परिवार के साथ मना रहे हैं मकर संक्रांति का त्योहार। कभी पतंग उड़ा रहे हैं तो कभी एक दूसरे को तिल गुड़ के लड्डू खिलाकर सबका मुंह मीठा कर रहे हैं। पतंग उड़ाने का मौका तो काफी दिनों बाद मिला है, क्योंकि पिछले जनवरी में मैं पूना में था, मैं एक फिल्म की शूट कर रहा था। उसके पिछले जनवरी में शायद मैं कहीं और था, लेकिन पतंग उड़ाना अब कम हो गया है। जैसा मैंने कहा था कि आजकल वो पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, इतना हर एक टेरेस पे से डीजे की आवाज़ें ज़्यादा आती है, तो पतंग उड़ाना, लेकिन आज पतंग उड़ा के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बहुत नहीं उड़ाता था, छत पे खड़े होकर देखता था, लोग पतंग उड़ाते थे, हमारे साथी लोग उड़ाते थे, मैं देखता था कि कैसे उनकी पतंग कटती है, तो कटी पतंग बहुत देखता था मैं। और कैसे पेड़ में अटक गया या किसी वायर में अटक गया और परेशान कुछ लोग, पर न्यूज़ भी आता था वैसे कि भाई ये लड़के का एक्सीडेंट हो गया, अरे एकदम नहीं छत ऊपर मत जाको भाई, ये कंट्रोल तो रहता था माँ बाप का, ये प्रॉब्लम थी। पर हम तो कलकत्ते में थे उस समय, और पतंगों की जो है वहाँ भरमार थी, मारामारी भी थी काफ़ी, पतंग बहुत देखे हमने। पर साथ साथ में चिवड़ा दही खाने के लिए माता पिता बुलाते थे, उधर चला जाता था खा के, फिर थोड़ा जाग के देखता था। हाँ जी, हाँ कभी कभी ये पकड़ता था, ये लटाई, लटाई बोलते हैं इसको हम लोग फिरकी बोलते हैं मराठी में, उसे फिरकी कहते हैं। ये चार नए हैं जो खड़े हैं, ये जो दो बैठे हैं ये सीनियर्स हैं, और इनका होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तब जाके वागले का फ्लेवर ठीक तरह से निकल कर आएगा, है ना। ये ज़माना और है, आपने भी तो अपने समय को जब आपने देखा होगा तो आप छोटे होंगे, अब बड़ा, अब बताइए कितना बड़ा फर्क आ गया, आप परिवार वाले होंगे तो अब जो है ये जो वागले हैं, ये इनका जो बेटा है वो अब पूरी बागडोर संभाल रहा है, उसकी फैमिली है, उसकी पत्नी है वंदना, सखी है, और हमारा अथर्व है। हाँ नहीं, वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग सेकंड फ्लोर पे रहने वाले हैं और ये आठवें फ्लोर पे रहने वाले हैं, तो वो तो कश्मकश कभी होगी नहीं। हाँ ये होगा कि बहू ने ऐसा नहीं किया था, बहू ने घर ऐसा नहीं रखा, वो तो थोड़ा बड़ा नोकझाक तो होना ही चाहिए। तो इस बारे में आपने जो क्वेश्चन किया, मैं इस बारे में राधिका से इत्तफाक नहीं रखता हूँ। क्यों कि ये जो वागले का जो परिवार है, इसमें वागले का जो बेटा है, छोटा बेटा जो राजू है, वो इसका मेन पर्पज ये है कि वागले को एक साथ लाना, ये नहीं कि माँ बाप को ओल्ड होम में भेज देना। डिफरेंस बहू और मेरी बात हो रही है, वो बहू और मेरी बात हो रही है, लड़ने दूंगा नहीं। बहू भी अच्छी थी, जब बेटा ऑफिस में होता तो बहू ही संभालती है। दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आपका पसंदीदा शो, मतलब आपका मतलब आपके माता पिता, आपके नाना नानी, दादा दादी, जो 1988 में ये शो बड़ी चाव से देखते थे, आज वही शो दोबारा आ रहा है इन दो कलाकारों के साथ, इन दो सीनियर्स, जो चेहरा है वागले की दुनिया का, ये चेहरा है, इनके साथ हम वापस आ रहे हैं। तो इस जनरेशन को, मतलब जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मतलब सोनी सब का जो एक जो उनके जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि फैमिली बॉन्डिंग प्यार मोहब्बत, तो उस सारे जो जी जी जी, और कोरोना में बहुत रोना हुआ है तो अब हंसना है हमें 2021 में। आप सब आइए और इस वागले परिवार का परिवार बन जाइए। कोरोना
लॉकडाउनों के बाद लोगों को ये समझ में आ गया कि वैल्यूज क्या होती है, फैमिली वैल्यूज क्या होती है, इकट्ठा आना शुरू हुआ है, बातें करनी शुरू हुई है, तो उसकी वजह से हमारा शो उनको बहुत रिलेट करेगा। वाकई त्योहार का असली मजा तो सबके साथ ही आता है। उम्मीद है इसी मिठास के साथ वागले की दुनिया सभी दर्शकों के दिल पर छा जाए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।